और देखो मैं आपके यहाँ सभी स्कूलों में जाकर आप जैसे बच्चों को ऐसा कुछ सिखा रहा हूँ। देखो हमारे देश के अंदर बहुत सा त्यौहार आता है, त्यौहार समझते हैं आप लोग, जिसे हम लोग फेस्टिवल कहते हैं। आने वाला जैसे भी अच्छा दिन होता है, बच्चे सारे बच्चे क्या करते हो, घर सजाने के लिए, क्लास सजाने के लिए आप लोग कुछ सामान खरीदते हो बाजार मार्केट से, जो वो कागज के द्वारा मिलता है, प्लास्टिक के द्वारा मिलता है, जिसमें आप सारे बच्चों का पैसा नुकसान होता है। होता है ना पैसा नुकसान। मैं आपको बताऊंगा, आपके घरों में जैसे प्लास्टिक का बोतल है, पॉलिथीन है, रद्दी पेपर है, वेस्ट पेपर है, बेकार कागज के टुकड़े है, और इस तरह से कुछ कागज के गत्ते होते हैं, कार्टून होता है ना, इस तरह से आप लोग क्या करते हो, ऐसे को चीजों को फेंक देते हो। मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ कागज के द्वारा आप लोग बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं, वो भी बिना पैसों से, और आने वाले अच्छे दिनों में आप लोग अपने क्लासरूम को, घर को सजा सकते हो। ऐसे कागज के टुकड़े होते हैं, बच्चे इसी कागज को टुकड़े को 3 बार आपको मोड़ देना है। कितनी बार मोड़ देना है? 3 बार। वेरी गुड। बैठ जाओ। देखो किस तरह से इसे मोड़ना है आप लोगों को। इधर आ जाओ बच्चों। इससे आप लोग जैसे अभी 26 जनवरी आ रहा है, क्या आ रहा है? 26 जनवरी। और कल क्या है? क्रिसमस डे। जैसे बहुत से फेस्टिवल होते हैं, आप लोग उसी त्योहारों के दिन अपने घर को, क्लास को आप लोग सजाते हो, जिसमें आपका पैसा नुकसान होता है। आप लोग अगर रद्दी सामानों से अच्छे अच्छे डिजाइन बनाकर घर को, क्लास को सजा सकते हो। ऐसे कागज को 3 बार आपको मोड़ देना है। कितनी बार मोड़ देना है? 1, 2, 3। तो ऐसे मोड़ सकते हैं आप लोग सारे बच्चे। इसके 2 साइड है, एक तरफ खुला और एक तरफ बंद। बंद वाले साइड से कैंची के द्वारा ऐसे आपको छोटा छोटा ऐसे आपको कट काटना है। कैसे भी काट लीजिए आप लोग, छोटा बड़ा कैसे भी बनाए लो, नंबर इसमें कोई नंबर नहीं है, कैसे भी काट लीजिए आप लोग। तो सारे बच्चे मिलके बताओ, आप लोग ऐसे काट सकते हो? वेरी गुड। इस तरह से आपको काटते जाना है, और देखो आने वाले त्योहारों के दिन आप लोग अपने घर को, क्लासरूम को आप लोग सजा सकते हो, जिसमें आप कोई बच्चों का पैसा नुकसान नहीं होगा। ये देखो बच्चों, ऐसे काट सकते हो ना सारे बच्चे। इसे अभी आप लोग खोलोगे बच्चों, तो देखो अभी कोई डिजाइन नहीं है। कोई डिजाइन है अभी? देखो इसमें आप लोग इन दोनों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ कर इसे आप लोग गोल करोगे, मोड़ोगे, तो देखो आपके सामने में एक लैंप तैयार हो जाएगा। ये देखो, इसी को छोटे मोटे पिन से आपको इस तरह से बंद कर देना है। ये देखो, तो बच्चों ऐसे आप लोग बना बना कर घर के अंदर या क्लास के अंदर लगाओगे, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें आपका कोई पैसा नुकसान नहीं होगा। ये देखो इस तरह से अच्छा लगा ना आप लोगों को? वो ज्यादा समय लगा इसमें नहीं। तो ऐसे बना बना कर आप लोग 10-12 बना कर क्लास के अंदर या घर के अंदर लगाओ, कैसा लगेगा आप लोगों को? अच्छा, तो देखो ये पहला डिजाइन। बच्चों ऐसे कुछ रंगीन पेपर होते हैं, आप लोग बाजार से खरीदते हो, और ऐसे आप लोग इसे तिरछा करके झंडा बनाते हो। क्या बनाते हो? झंडा। और इसमें आप लोग झंडा बनाने के बाद इसमें आटा, गोंद, थ्रेड यूज करते हो, करते हो ना? ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे रंगीन कागज होते हैं, कलर पेपर होते हैं, आपको कागज को इस तरह से आपको रोल करना है। क्या करना है? रोल। तो बच्चों मिलके बताओ, ऐसे रोल कर सकते हो आप लोग सारे बच्चे? ठीक है, तो इस तरह से आपको रोल करना है। और भी इसमें कलर पेपर होता है, दूसरा रंगीन कलर पेपरों को अंदर वाले साइड से लगा लेना है। किधर से लगा लेना है? तो देखो मैंने इसमें आपके सामने में 2 कलर पेपर लगाए हैं, और भी आप लोग इसमें पेपर लगाओगे, तीसरा कलर पेपर, बच्चों इसी को आपको अंदर वाले साइड से लगा लेना है। ये देखो ऐसे अंदर वाले साइड से, तो देखो मैंने इसमें 2 कलर पेपर लगाए, कितने लगाए हैं? सॉरी, इसमें मैंने आपके 3 कलर पेपर लगाए हैं, 3 कलर पेपर। देखो ऐसे आपको कलर पेपरों को अंदर से लगा लेना है। देखो मैंने इसमें 3 कलर पेपर का रोल किया है, 3 कलर पेपर बच्चों, और इसी को क्या करना है, इसी को 2 जगह से काट लेना है। कितनी जगह से काटना है? इसे दोनों जगह से आधा आधा काटना है। कितना काटना है? देखो आधा यहाँ से काट लेना है, और आधा यहाँ से, दोनों साइड से आधा आधा ऐसे कट काट लेना है। इसके हिस्से बनेंगे 3, 1, 2, 3। 2 हिस्से को बच्चों ऐसे तोड़ देना आप लोगों को, और बीच वाले हिस्से को क्या करना है, कैंची डाल कर ऐसे सीधा पूरा कट काट लीजिए। ठीक है ना? ऐसे पेपर खुल जाएगा, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो। इसी को इंग्लिश अक्षर T अक्षर के जैसे मोड़ देना है।
ठीक है ना। और पहले वाले पेपर को पकड़ के बच्चों ऐसे आस्ते से ऐसे ऊपर की ओर उठाओगे आप लोग फर्स्ट पेपर को, तो देखो आपके सामने में एक आयुषित तैयार बन जाएगी। ये देखो अच्छा लगा ना आप लोगों को। और आप लोग देखो अभी 26 जनवरी आ रहा है, ऐसे आप लोग बना बना कर अपने घर को क्लासरूम को ऐसे आप लोग सजा सकते हो जिसमें आपका कोई पैसा नुकसान नहीं होगा। अच्छा लगा ना आप लोगों को सारे बच्चों को। हाँ तो देखो ये दूसरा डिजाइन, तीसरा डिजाइन बनाओगे इसी तरह। कुछ पेपरों को आपको रोल करना है, देखो बच्चों रोल करना आपको एक जैसा है, काटना आपको अलग अलग डिजाइन से। ये देखो तो ऐसे रोल कर सकते हो ना सारे बच्चे। हाँ और भी पेपर लगाओगे आप लोग कलर पेपरों को इस तरह से आपको अंदर वाले साइड से लगा लेना बच्चों। ये देखो देखो मैंने इसमें सेम कलर पेपर दो लगाए हैं, कितने लगाए हैं दो। और भी आप लोग कागज लगाओगे तीसरा कलर पेपर बच्चों, पेपरों को इस तरह से आपको अंदर से इस तरह से लगा लेना है। तो देखो इस तरह रोल करने के बाद इसे आपको काटना कैसे, देखो आपको रोल करना एक जैसा ही है लेकिन काटना अलग अलग डिजाइन से, ठीक है ना। पेपरों को रोल एक जैसा ही करना आप लोगों को लेकिन काटना अलग अलग आकार देते हैं। इसे क्या करना है आधे से ज्यादा ऐसे काटना है, एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा। वेरी गुड, ऐसे आधे से कुछ ज्यादा। बड़े वाले को क्या करना है चाकू चम्मच पत्तों के जैसे इसी को गोल आकार में या चाकू के आकार में या पत्तों के आकार में कटे वाले हिस्से से इस तरह से मिला लेना है, ठीक है ना। ऐसे पेपर खुल जाएंगे, देखो पेपर खुलने के बाद इसमें दो कलर के पेपर है, पीला वाला एक तरफ करना है आपको और ये देखो ऐसे आपको दोनों कलर पेपर को अलग करना है। पीले वाले को क्या करना है एक बार किसी चीज से पेन या पेंसिल से ऐसे मोड़ देना है, कितनी बार मोड़ देना है और दोनों नाखून की उंगली से दबा देना है। क्या करना है दबा देना है। तो बच्चों इसमें कलर पेपर दो है लेकिन डिजाइन आपके सामने में तीन बनेगा, कितना बनेगा तीन। पहले वाले पेपर को पकड़कर रास्ते से ऐसे उठाओगे ये पहला डिजाइन बन जाएगा आपके सामने। ये देखिए दूसरा डिजाइन बनाओगे, सभी को बिठा लीजिए और बच्चों इसी को धीरे धीरे आप लोगों को घुमा लेना है। ये देखो क्या करना है घुमा लेना है। वेरी गुड, तो देखो ये दूसरा डिजाइन बन जाएगा आपके सामने में, ये भी आपको अच्छा लगने से आप लोग रख सकते हो। तीसरा डिजाइन बनाओगे, सभी पेपरों को नीचे की ओर बिठाओगे आप लोग तो आपके सामने में एक लोटस कमल का फूल तैयार हो जाएगा। ये देखो कौन सा फूल बन गया, ये कमल का। अच्छा लगा ना आप लोगों को। तो देखो बच्चों इस तरह से आप लोग बना बना कर घर को क्लासरूम को ऐसे आप लोग सजा सकते हो जिसमें आप बच्चों का कोई पैसा नुकसान नहीं होगा। देखो मैं आपको एक मोर बनाना सिखाऊंगा, क्या बनाना सिखाऊंगा मोर मालूम है आप लोगों को, इंग्लिश में मोर को क्या बोलते हो। वेरी गुड, देखो ये मोर आपके सामने में डांस करेगा, क्या करेगा। हाँ देखो मैं तो इस वाले कागज के द्वारा बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे कार्टून वाले कागज से बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, समझ रहे मेरी बात आप लोग। हाँ देखो ऐसे पेपरों को एक बार ऐसे मोड़ देना है, मोड़ने के बाद देखो इसे आपको क्या करना है, पहले नंबर एक छोटा सा कट काट लीजिए, वहां से एक छोटे से गोल आकार में आपको काट लेना बच्चों, और ऊपर वाले साइड से दो तीन बार ऐसे छोटे छोटे आपको कट लगा लेने हैं, ऐसे दो तीन बार आपको क्या करना है। हाँ और इस तरह से आपको सीधा पूरा कट काट लीजिए ऊपर वाले साइड से, ऐसे आपको बड़े वाले गोल आकार में काट लीजिए आप लोग, ये मोर के पंख डिजाइन आपके सामने बनेगा। ये देखो और वैसे इस तरह से सीधा आप लोगों को पूरा कट काट लीजिए, ये देखिए आप लोग ऐसे आपको छोटा सा कट काटना, ऊपर से दो तीन बार कट काट लेना, ऊपर वाले गोल आकार में काट लेना है, पीछे वाले साइड से मोर की पूंछ बनानी है, सीधा ऐसे आप लोगों को कट काटोगे तो बच्चों इसकी पूंछ तैयार हो जाएगी। पूंछ बनाने के बाद इसके पैर बनाने, नीचे से दो बार छोटे छोटे कट लगाओगे तो इसके पैर भी तैयार हो जाएंगे आपके सामने में। और देखो जहां से कटे वाला साइड है बच्चों वहीं से इसी को आप लोग मिलाओगे तो ये आपके सामने में मोर तैयार हो जाएगा। ये देखो इस तरह से एक मोर तैयार हो जाएगा आपके सामने, एक से खोलोगे तो दो बन जाएंगे आपके सामने में, कितने बन गए। और देखो ये कैसे नाचेगा,
आप लोग ऐसे कुछ रंगीन पेपरों को, प्लास्टिक पेपरों को आमने सामने आपको मोड़ देना है। क्या करना है? मोड़ देना है। हाँ तो बच्चों, मैं तो कागज के द्वारा बताया, आप इसे प्लास्टिक पेपर से बनाओगे और भी अच्छा लगेगा। और देखो, आप लोग ऐसे बना बना कर आप लोग अपने टीचरों को, मैडम को, सर को आप लोग बना के गिफ्ट भी कर सकते हो। ये बहुत सुंदर डिजाइन बनेगा आपके सामने में। ये देखो ऐसे आपको मोड़ देना है। क्या करना है? मोड़ देना है। और बच्चों, इसी को क्या करना है, ऊपर वाले साइड से गोल में काट लीजिए और बीच वाले साइड से भी गोल में आकार में काटना है। ये देखो, तो ये डिजाइन बनेंगे मोर के पंख जैसे, बन गए ना। और इसी को क्या करना है, जो इसके बड़े वाले पंख होते हैं इसी के बीच में बच्चों आपको लगा लेना है इस तरह से। ये देखो, ऐसे आपको लगाना है। और देखो, आपको चार बार पिन लगा लेना, एक पिन ऐसे आपको बीच में लगा लेना इस तरह से। एक वेस्ट पत्ती को आपको कलर पेपरों के साथ इसी को जॉइंट करना है। ये देखो, इधर दो बार और एक इस तरफ से, तीन बार और एक सामने से, चार बार। और बच्चे इसे पकड़ कर ऐसे नीचे की ओर खींचोगे आप लोग, ये मोर तैयार हो जाएगा और ऐसे आपके सामने डांस करेगा। ये देखो, अच्छा लगा ना आप लोगों को? तो ऐसे बना बना कर घर को, क्लासरूम को ऐसे सजा सकते हो। तो बच्चों, मेरे पास में बहुत सारा डिजाइन है। मेरे पास में ऐसे डिजाइन होते हैं 25। कितने डिजाइन होते हैं? 25। देखो, इतना मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत सारे स्कूल में जाना पड़ता है बच्चों। तो देखो, इसकी सीखने की एक गाइड होती है, वो राजस्थान से मंगाई जाती है। कहाँ से मंगाई जाती है? राजस्थान से। उस गाइड से आप लोग सीख सकते हो। आप लोग खाली फोटो देख देख के बना सकते हो या फिर पढ़ के भी बना सकते हो। तो देखो, इसके अंदर 25 मॉडल होते हैं, जैसे ताजमहल बनाना है, हाथी बनाना है, खरगोश बनाना है, मोर बनाना है, भोग कबूतर बनाना है, ऐसे बहुत सारे डिजाइन है। तो बच्चों, ऐसे आपको पेपरों को अंदर से लगाना है। किधर से लगाना है? अंदर से। देखो, मैं आपको एक गुलदस्ता बनाना सिखाऊंगा। गुलदस्ता मालूम है आप लोगों को? देखो, गुलदस्ते कैसे बनाने आप लोगों को, ऐसे आपको कागज को आधे से ज्यादा काट लीजिए, एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा। ऐसे आधे से ज्यादा बड़े वाले को क्या करना है, कैंची डालकर आप लोगों को सीधा पूरा कट काट लीजिए, ऐसे पेपर खुल जाएगा। दो कलर के पेपर है, हरा वाला एक तरफ और गुलाबी वाला एक तरफ। वेरी गुड। गुलाबी वाले कागज को ऊपर वाले साइड से गोल में काट लीजिए और इसको पेन के द्वारा दो बार, कितनी बार? दो बार मोड़ देना है। कितनी बार मोड़ देना है? दो बार। और दोनों उंगली से आपको दबा देना है। उंगली के द्वारा क्या करना है? दबा देना है। वेरी गुड। ऐसे दबाने के बाद देखो बच्चों, जो हरे वाले पेपर होते हैं इसी को चाकू चम्मच पत्तों के जैसे आपको काट लेना है। तो इसमें कलर पेपर दो है, लेकिन डिजाइन आपके सामने में तीन बनेगा। कितना बनेगा? तीन। पहले वाले पेपर को पकड़कर रास्ते से ऐसे उठाओगे आप लोग फर्स्ट पेपर को, देखो ये पहला डिजाइन आपके सामने बन जाएगा। ये देखो, अच्छा लगा ना आप लोगों को? दूसरा बनाओगे, सभी को बिठा लीजिए और इसी को ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को घुमा लेना है। ये दूसरा डिजाइन बनेगा, ये डिजाइन का नाम है दिल्ली की कुतुब मीनार की सीढ़ियां। क्या नाम है? कुत्ता बीमार नहीं। क्या नाम है? तीसरा डिजाइन बनाकर सभी को ऐसे बिठा लेना है। तो देखो, आपके सामने में गुलाब का फूल तैयार हो जाएगा। कौन सा फूल बन गया? ये खुशबू नहीं है। और देखो, ऐसे मैं आपको एक गुलदस्ता बनाना सिखाऊंगा। गुलदस्ते कैसे बनाने, जब आप लोग सुबह सुबह में जब स्कूल आते ना पढ़ने के लिए, तो बच्चों ऐसे आप लोग गुलदस्ते बना बना कर आप लोग अपने टीचरों को, मैडम को, सर को ऐसे बना बना कर दोगे तो आपके टीचर आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर देगा बच्चों। तो ऐसे आप लोग घर को, स्कूल को ऐसे आप लोग सजा सकते हो। अच्छा लगेगा ना? तो देखो, जो अभी आपके सभी स्टाफ टीचर मिलके, जो आपके प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे, बैठो आपके जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे आपका बहुत कीमती समय दिया। मैं आपके सभी टीचरों का और प्रिंसिपल सर का, सर मैं प्रिंसिपल को, मैडम ने मुझे आपका बहुत कीमती समय दिया है। मैं सभी टीचरों को और मैडम का वेलकम करूंगा। सभी दूर दूर करते आपको क्लापन करना है, ठीक है ना मैडम? एक छोटा सा।